वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज एक दूसरा हार्ले डेविडसन के बाइक के साथ आपके पास आया हूँ। तो आज देख ही रहे हैं पैन अमेरिका ड्राइव करके बताएंगे। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो फैट बॉय के ऊपर था, पर आज पैन अमेरिका ड्राइव करके बताएंगे। तो पैन अमेरिका वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक है, उसमें से एक है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो चलिए आज ये पैन अमेरिका ड्राइव करके आपको बताते हैं। वैसे बाइक तो काफ़ी लंबी है, पर एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा इस बाइक को चला के। तो चलिए आज इसका पूरा रिव्यू बताते हैं और बताएंगे क्या फीचर्स हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, और आपको ज़रूर शेयर करेंगे जब आप वर्ल्ड क्लास एक बाइक चलाते हो तो आपको कैसा महसूस होगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पैन अमेरिका ड्राइव करके आपको बताते हैं। तो आज हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं वो है पैन अमेरिका, जो वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर टूरर मोटर बाइक है और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक में से भी एक है। तो चलिए ये बाइक आज ड्राइव करके बताएंगे कि आप जब एक बेस बाइक में बैठे हो क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या फीलिंग्स आता है, सारे रिव्यू आप चाहे शेयर करेंगे। तो वेलकम इन लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज पैन अमेरिका ड्राइव करके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये पैन अमेरिका चाबी इतना ही है, एक कीलेस एंट्री है, बस आपको बाइक के नज़दीक आना है और फिर सेल्फ स्टार्ट देना है, बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राइड। तो चलिए सेफ्टी फर्स्ट, सेफ ड्राइविंग वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेफ ड्राइविंग वाला वीडियो भी देख लेना। तो चलिए हम लोग करते हैं इंजन को स्टार्ट। उससे पहले इंजन किल स्विच है, जिसको ऑन करने के बाद फिर हो गया स्टार्ट। तो आगे चलेंगे। आगे जो रास्ता है बहुत स्मूथ सरफेस नहीं है, पर ये बाइक बनाया इसलिए है कि आप कोई सा भी रास्ता हो, कैसे रास्ता हो, ऑफ रोडिंग हो, वहाँ पे चला सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर टूरर बाइक है, जिसकी खासियत ये होती है कि आप कोई भी रास्ते में इसको लेके जाओ। और ये साथ ही साथ देखिए काफ़ी सारे बटन्स लगे हुए हैं इस बाइक में, काफ़ी सारे स्विच हैं, सो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो आगे चलते चलते बताते चलेंगे आपको भी। तो ये बाइक की अगर इंजन की बात करें तो ये रेवोल्यूशन मैक्स 1250 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है, तो काफ़ी पावरफुल इंजन इसमें है। 1200 सीसी मतलब समझ ही रहे हो, बहुत ही एक बेहतरीन इंजन दिया गया है और चलाने में भी बिल्कुल स्मूथ है। आपको लगेगा नहीं कि इतना एक ऊँचा एक लंबा बाइक चला रहा, जैसे आप हवा में उड़ रहे हो जैसे लगेगा, ग्राउंड से मतलब ऊपर ही लगेगा कि आप बाइक चला रहे हो। तो शुरू में लगा था कि इतना ऊंचा बाइक में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मेरा हाइट 5'7" है, पर मुझे जहां तक लगा कि ये बाइक 6 फीट हाइट का कोई बंदा चलाएगा तो ही एप्रोप्रिएट होगा, फिर भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। शुरू में आपको रुकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब खड़े होने में, बाकी तो जब आप बाइक ड्राइव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं इस बाइक की। और आगे हम लोग बम्पर के ऊपर भी चलाएँ तो बम्पर काफ़ी स्मूथली ड्राइव करके चला गया। तो ये करीबन 150 हॉर्स पावर की बाइक है, जो मतलब समझ रहे हो बहुत पावरफुल एक इंजन है। तो आगे चलेंगे फिर से एक बम्पर, तो थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करेंगे कि ये बहुत तेज तो नहीं चला पाएंगे, कितना स्पीड में जा सकते हैं थर्ड या फोर्थ गियर में वो देखेंगे एक बार। तो थोड़ा सा रास्ता मिला है खाली, अभी हम लोग थर्ड गियर में ही है, ज़्यादा तेज हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए थर्ड गियर में करीबन ये आराम से 60 तक पहुंच गया है, मतलब ये गाड़ी का स्पीड गजब है, आप भाग सकते हो इस गाड़ी लेके। तो बहुत ही एक कंफर्टेबल राइड है अगर आप कोई भी ऐसे ऑफ रोडिंग बाइक चलाते हो। तो यहाँ से टर्निंग लेंगे, टर्निंग के टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हाइट की वजह से, तो थोड़ा सा धीरे धीरे टर्निंग लेना पड़ेगा मेरे को, पर जितना सोचा था उतना मुश्किल हुआ नहीं,
बहुत स्मूथ ड्राइव है, एकदम कंफर्टेबल और अलग से फीलिंग है। मतलब ये बाइक कुछ अलग ही बात है इस बाइक की, और होना भी चाहिए। इतना महंगा बाइक है और इतना सारे फीचर लोडेड बाइक कह सकते हो आप इसको, इतने सारे फीचर्स हैं तो बाइक भी एक अलग सा आपको महसूस होगा। और साथ ही साथ इसका स्क्रीन देखिए, स्क्रीन काफ़ी बड़ा है और TFT स्क्रीन है। और स्विच भी काफ़ी सारे देखिए, ये इंजन किल स्विच हो गया, ये मोड वाला स्विच हो गया, इसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं जब आप बाइक चला रहे हो तो। हर एक अलग अलग मोड है, क्रूज मोड है, आप ऑफ रोडिंग मोड है, रेनी सीजन के लिए अलग से मोड है, तो सारे मोड यहाँ पे लिखा रहेगा, आपका इंडिकेट करता रहेगा। और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, मतलब काफ़ी बढ़िया सीट है। तो अभी तक तो बहुत एक बढ़िया फील हुआ इस बाइक को चला के, और आगे देखेंगे कितने सारे स्विच से इस बाइक के। और देखिए इधर आपका डिफरेंट मोड्स के लिए अलग जैसे स्विच बताया, और इंडिकेटर्स है इधर, जो स्क्रीन है ये मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए सारे स्विच इसमें दिया गया है साइड में। सो बहुत सारे स्विच है, आपको पूरा डिटेल्स में पता करने के बाद ये बाइक सही से ऑपरेट कर पाओगे। और ये जो विंड सील है ये प्लास्टिक थोड़ा सा पतला लगा, फिर भी अच्छा है, मतलब एरोडायनामिक काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि आज काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था तो उसमें भी ये मतलब फील नहीं हुआ। तो सामने स्क्रीन में देखिए, इसमें आपको पूरा बाइक का सारे डिटेल्स मिल जाएगा, बैटरी कितनी है और पूरा ट्रिप कितना चला है, सारे सब कुछ एक एक डिटेल्स ये स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। तो आगे चलते हैं शोरूम की तरफ, फिर से वही रोड। और बम्पर में चढ़ने के बाद जो मज़ा आता है ना भाई, वो कोई और बाइक में इतना कंफर्टेबली आप बम्पर के ऊपर, खास करके इंडियन बम्पर के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते हो, एकदम स्मूथ, मतलब पता भी नहीं चलेगा आप बम्पर के ऊपर से जा रहे हो। अब बाइक का स्पीड तेज़ भी होगा तो भी खास कुछ रिस्क आपको महसूस नहीं होगा जब भी बम्पर के ऊपर से बाइक चलाओगे तो। वैसे ये स्पोक व्हील में आता है पर इसका स्पोक बाहर से दिया गया रहता है, मतलब वैसे ट्यूबलेस टायर इसमें है, तो ज़्यादातर ऑफ रोडिंग बाइक के लिए हम लोग देखे हैं ट्यूबलेस नहीं मिलता, पर इस बाइक में ट्यूबलेस टायर है और स्पोक भी है साथ ही साथ। और एक डिफरेंट चीज़ है इस बाइक में, जैसे हार्ले डेविडसन के हर एक बाइक बेल्ट रन होता है, मतलब बेल्ट से वो मतलब घूमता है, पर ये बाइक में चेन से ये मतलब रोटेट करता है, तो चेन रन है ये बाइक, बेल्ट वाला नहीं है जैसे हार्ले डेविडसन हर बाइक में होता है। तो चलिए हम लोग पहुँच गए शोरूम में, बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस लेके बहुत ही खुश हूँ मैं इस बाइक को चला के। तो ये पहुँच गए, तो फैट बॉय के बाद पैन अमेरिका, एक बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था जब आप इतना हाई क्लास एक बाइक चलाते हो। बाइक तो खैर नहीं है, सुपर बाइक है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को चला के। तो जो लोग फैट बॉय वाला वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फैट बॉय का भी रिव्यू देख सकते हैं, वो भी टेस्ट ड्राइव लेके आपको बताया था, शेयर किया था, तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो पैन अमेरिका चलाया, गजब एक बाइक चलाया, जो इंडियन रोड के लिए तो बहुत ही बेहतरीन बाइक है, आप कोई सा भी रोड में इसको लेके चलो कोई फ़र्क भी नहीं चलेगा। खैर हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है तो शुरू में लग रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर जब आप इस बाइक को चलाओगे तो एकदम मक्खन है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आप एक बाइक पे राइड कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बाइक रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए सेफ ड्राइव, सेव लाइफ।